नगर में अन्न महोत्सव के दौरान कस्तूरी देवी राशन कोटे पर गरीबों को निशुल्क राशन वितरित किया गया। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत जगह जगह राशन डीलरों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनकर लोगों को राशन वितरित किया। इस राशन किट में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज प्रति यूनिट के हिसाब से, साथ ही प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम लगी हुई तस्वीर भेंट की गई। इस दौरान लक्ष्मी नगर के कस्तूरी देवी सस्ते गल्ले की दुकान कुआ वाली गली पर भी गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत राशन किट वितरित की गई। टाइम्सलर सिंह, मथुरा, समाचार 24। कहाँ के रहने वाले हो? लक्ष्मी नगर। कैसे राशन कैसे मिलता है तुम्हें? हैं? महीने में दो बार। महीने में क्या बार मिलता है? दो बार। पैसे तो दिया था फ्री, हैं? फ्री। कोई परेशानी राशन वालों की तरफ से? हैं? टाइम टू टाइम राशन मिलता है? कोई परेशानी किसी बात की नहीं? फोन करके बुलाते हैं, पैसे कोई बात तो नहीं है? नहीं, नहीं। अभी राशन नहीं देते हो भाई? नहीं देते हैं। महीने महीने में दो बार मिलता है फ्री। मनु जी, आप राशन कैसे मिलता है आपको? महीना में दो बार मिलता है। अच्छा, फ्री मिलता है? फ्री मिलता। मोदी की योजना इसलिए? हाँ। मोदी की योजना इसलिए? हाँ। तो तुम्हें फ्री मिलता? हाँ। कभी राशन वालों की तरफ से तुम्हें कोई परेशानी पड़ी है किसी बात की? नहीं। फोन करके बुलाते हैं तुम्हें राशन वाले? राशन ले जाओ अपना, ऐसा कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, ऐसे कोई परेशानी नहीं। राशन नहीं देते हो तुम्हें भाई? चल, नहीं राशन तो मिलता है। मिलता है? महीने में क्या बार मिलता है फ्री? दो बार। नाम सर आपका? मेरा नाम जयलाल। जयलाल जी, आज किसके द्वारा वितरण किया जा रहा है मोदी का ये राशन? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है निःशुल्क जो है खाद्य वितरण किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी योजना है और जनहित में है। ऐसा पहली बार हो रहा है जो है केंद्र सरकार के नेतृत्व में, और एक्चुअल में ये बहुत ही जो है प्रशंसनीय कार्य है कि प्रधानमंत्री जी कुछ गरीबों के लिए कर रहे हैं। कितने लोगों को वितरण किया है और कौन कौन थे यहाँ पर आज मौजूद थे बांटने के लिए? यहाँ पर जो है डीलर के साथ साथ जो है काफ़ी लोग जो है उपस्थित थे और सभी को शांतिपूर्वक दिया जा रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। उसके साथ साथ जो है इस दुकान पर कभी भी किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं होता है। यहाँ के जो डीलर, स्थानीय डीलर जो है लोगों को बुला बुला करके उनको फ़ोन कर करके जो है खाद्य वितरण करते हैं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। कितने लोगों को वितरण किया हुआ है? कितने लोगों को दिया है? ये अभी इस समय जो थैला वितरण किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री की ओर से, वो जो है करीब 100 थैलाओं का लक्ष्य है प्रत्येक दुकान पे। 100 देने ही देने हैं? 100 लोगों को देना ही देना है? जी जी। अच्छा। वृंदावन